कल पता चला कि वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब, जिन्होंने पिछली मरदमशुमारी भी करवाई थी और पिछली मरदमशुमारी भी गलत हुई थी, इन्हीं की नाक के नीचे यही वजीर थे एहसन इकबाल साहब, वो अब कह रहे हैं कि मरदमशुमारी का अमल अक्टूबर से नवंबर तक जा सकता है और 15 रोज का इजाफा मरदमशुमारी में गिनती का इन्होंने कर दिया है, ये फैसला किया है कल। तो पहला सवाल ये है कि ये दो तरह की गिनती क्यों चल रही है पाकिस्तान में? कुछ इलाकों में मरदमशुमारी खत्म हो गई, उनकी गिनती पूरी हो गई, कुछ इलाकों में अभी तक गिनती जारी है। इसका मतलब जो मुतय्यन करदा तारीख थी मरदमशुमारी कराने की, उसमें साजिश, मुनज्जम साजिश के तहत आपने गिनती सही नहीं की, बाकी इलाकों में हो गई। इसका मतलब कराची में आपने जानबूझ के मुनज्जम तरीके से आबादी कम दिखाई, ये फिर बावेला मचा, हमने आवाज उठाई, दूसरों ने आवाज उठाई, मीडिया ने आवाज उठाई, कराची के शहरियों ने आवाज उठाई, तो जाके फिर इन्होंने एक्सटेंड किया थोड़ा टाइम, फिर अभी दोबारा कह रहे हैं। ये तो साला साल चलती रहेगी फिर एक्सरसाइज। तो ये आप आवाम के टैक्स के पैसे 32 से 34 अरब रुपए, ये आप कहां झोंक रहे हैं? आपसे शहर की गिनती पूरी नहीं हो पा रही, कौन सी मजीद साइंस आपको दरकार है? आप क्यों जानबूझ के शहर को कम दिखाना चाहते हैं? आपका वो मकसद क्या है? ये कौन सी साइंस है कि वो इलाके जहां हमारे भाई बहन बसते हैं जो सैलाब से मुतासिर हुए, वहां की आबादी 27% बढ़ गई? टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अब हमारी एक हफ्ते पहले बताया कि जी 2.5% आबादी बढ़ी है कराची की, अब पता चल रहा है वो 7% बढ़ गई है। ये समझने आने वाली बात है कि एकदम से 2.5%, 7%, 27% वहां पर बढ़ गई, 11% वहां बढ़ गई? तो ये बिल्कुल, मैं पहले भी कह चुका हूं, ये सेंसिस मुतनाजा होके खत्म हो चुका है, अब कोई भी इसका नतीजा कबूल नहीं करेगा क्योंकि ये ऑलरेडी कॉन्ट्रोवर्शियल हो चुका है मामला, क्योंकि जो मुतय्यन करदा टाइम पीरियड था उसमें इन्होंने गिनती सही नहीं की। अब ये आगे करते रहे, ये लॉलीपॉप देते रहे इस तरह, इसको सेंसिस को जानबूझ के मुतनाजा बना के जनरल इलेक्शन को रोकने की साजिश है। आपने मार्च में आगाज किया और अप्रैल में तो ये खत्म हो जाना था, उससे पहले ही मार्च में खत्म हो जाना था, अब कह रहे हैं अक्टूबर में जाके चलेगा, अक्टूबर तक। तो ये सब कुछ प्री प्लान तरीके से किया जा रहा है, चाहे कौमी असेंबली का फोरम हो, सूबाई असेंबली का फोरम हो, वहां कराची की नुमाइंदगी कम की जाए, कराची की आवाज को कम किया जाए। और आप देखें तो सही कि भुट्टो के लाड़काना की सीटें बढ़ रही हैं, जिना के कराची की सीटें कम हो रही हैं। ये मुनज्जम साजिश के तौर पर हो रहा है।